मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लोगों ने जो है 500-1000 रुपए में जो है लोग इकट्ठे करके, असली किसान है वो तो यहाँ सड़कों पर पड़े हुए हैं। किसान तो यहाँ डट रहा और डटा रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होने की। जो है अडानी अंबानियों की पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें जो है अंधे हो गए, चर्बी चढ़ गई इनके ऊपर। यह किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, इस तो झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं होने आज के बाद। क्या नाम है आपका? रवि, मुजफ्फरनगर से, यूपी। मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से आप, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विधायकों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वीडियो जारी की कि इस बिल के समर्थन में कुछ किसान रैलियां निकली, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो ऐसा है, ये जो बीजेपी के जो हैं विधायक ये रैलियां निकाल रखे, इन लोगों ने जो है 500-1000 रुपये में जो है लोग इकट्ठे कर रखे और वे उन्हीं की बोली बोल रहे। तो जो असली किसान है वो तो यहाँ सड़कों पर पड़े हुए हैं और ये तो इन्होंने शाम को जो है 500 रुपये और शाम को सर्दी जो है भगाने का जुगाड़, इस पर जो है इन्होंने लोग ला रखे। असली किसान तो यह जो यहाँ 25 दिन से पड़े वे हैं किसान, तो वे किसान थोड़े जो अभी 2 घंटे के लिए आगे रैली में जो है फिर अपना सांझ को घरों चले गए। किसान तो यहाँ डट रहा और डटा रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होने की, जब तक डटे रहेंगे। और मैं मोदी जी से एक सवाल और करता हूँ कि इतने हमारे किसान भाई सड़क पर पड़े और भाई शहीद भी हो गए, लेकिन जो है इनका पता तो ले नहीं रहे। एक अंबानी का जो पोता हुआ उसका पता लेना जो है हॉस्पिटल पहुंच गया, वहाँ उसको बधाई दे रहे हैं वहाँ जाके। और हमने जो है उन्हें जो है 2014 में अपनी वोट हमने भी 2 बार दे ली और हमने प्रधानमंत्री बनाए थे, भाई 6 दिन आओगे, हमारी आय दुगुनी करने थे, आय दुगुनी तो करी नहीं, अपनी दाढ़ी बना ली, वो दुगुनी होती जा रही। तो हमें तो और दुगुनी आय जो करने के बजाय और हमारे पर दुगुना कर्जा कर दिया और अपनी तनख्वाह कर ली जो है 3-3 लाख रुपये। हमारे तो जो है 6-6 हज़ार रुपये दे के जो है हमें भगा दिया, कहला 6 हज़ार में क्या हो, 6 हज़ार में तो खाद भी नहीं आता ना बीज आता। तो भाई ये तो जो है एक पूंजीपतियों की पार्टी है और अडानी अंबानी को जो है रेलवे भी दे दिया, सारे विभाग उन्हें देने लग रहे, उस पर रेल के इंजन पर भी उनके अट्टे के ऐड आ रहे। तो ये तो भाई मोदी जो है बिकाऊ सरकार है, जो है अडानी अंबानियों की पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें इन्हें जो है अंधे हो गए, चर्बी चढ़ गई इनके ऊपर और ऊपर ला भी सदबुद्धि ना दे नहीं रहा अभी और किसान इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ठंड कितनी भी हो गई हो, किसान यहाँ मर तो जाएगा, शहीद हो जाएगा, लेकिन जाने का नहीं, अपनी मांग जो है मरवाने मनवाए बिना ऐसा कोई जाने वाला नहीं है। यह किसान के अस्तित्व की लड़ाई है और किसान हारने का नहीं, हम जीत के जाएंगे यहाँ से। मोदी जी को झुकना पड़ेगा किसान के सामने, हम अन्नदाता हैं, हम रेड़ की हड्डी हैं। कोविड-19 में जो है सब प्रधानमंत्री जी भी सब उन्होंने कहते सड़क पर ना आओ, बाहर ना निकलो, भाइयों और बहनों अंदर रहो। और एक किसान और मजदूर ऐसे थे जो सबका पेट पाल लेते, भाई दूध भी देना, मंडी पहुँचाना और आपकी जो है फल सब्जी भी जो है सब मंडी पहुँचाने। तो ये तो सब अपने जो है परिवार के साथ घर में बढ़ रहे थे। ये तो एक किसान ही था जो पूरी आर्थिक व्यवस्था जो है किसान की वजह से रुकी रही हिंदुस्तान की। आखिर इस जगह पर कब तक आप लोग रहेंगे? आगे भी जाने का विचार है कि दिल्ली में रामलीला मैदान या यहीं पर मतलब प्रदर्शन आप लोग करेंगे, क्योंकि पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है, कोरोना काल को लेकर बोला जा रहा है। ऐसा है, अभी हम आगे जा नहीं रहे, जो आगे हमें रोकने वाले हैं वे भी हमारे जवान जो है, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, और हम जा नहीं रहे। हम शांति प्रिय से जो है अपना धरना प्रदर्शन यहीं करेंगे और यहीं से जो है हमारा सारा देश देख रहा, सारे किसान भाई हम एक हैं। और ऐसा नहीं है उनको वे पंजाब वाले वहाँ हैं, वे हरियाणा वाले वहाँ हैं, हम टोटल जितने भी हिंदुस्तान के जो है किसान मजदूर हैं वो सब एक हैं। क्या नाम है आपका? विपिन राणा। क्या कहेंगे सभी प्रकरणों को देखकर, जिस तरीके से आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, इस ठंड में आप लोग यहाँ पे मौजूद है इतने दिनों से? ये अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई है और जब तक हम जीत नहीं जाएंगे हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक आप लोग जीत नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे आप लोग, डटे रहेंगे। हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से? हाँ। मोदी सरकार ने बहुत वादे करे थे और जो हम सत्ता में आए तो बहुत कुछ कराएंगे किसानों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी। अब ये आँख मीच के बैठ गए, इन्हें 1500 किलोमीटर दूर जाकर बंगाल में तो रैली कर सका, ये 1500 किलोमीटर बॉर्डर पर आकर किसानों की बात नहीं सुन सकते। किसान 2 करोड़ रोजगार देते हैं, किसान रोजगार मिला, किस किसान की आमदनी दुगुनी होगी, कितना काला धन वापिस आ गया, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, इस तो झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में नहीं होगा आज के बाद। ये थे हमारे साथ कुछ किसान, इनका साफ तौर पर कहना है कि 1500 दूर जाके वो चुनाव प्रचार अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन 15 किलोमीटर पुलिस को आगे करता है, मौजूद है यहाँ पर, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी, जय जवान, महेंद्र सिंह टिकैत, बड़ी खबर रहे। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, महेंद्र सिंह टिकैत, अमर रहे, जय जवान। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।